हेलो नमस्कार एंड प्रणिपात, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज है 31 दिसंबर 2020 साल की एंड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी कुछ फेवरेट ड्राइंग जो मैंने इस साल बनाई थी, उनमें से कुछ सिलेक्टेड ड्राइंग आपको दिखाऊंगी और उस ड्राइंग से जुड़ी कुछ बातें भी आपसे डिस्कस करूंगी। सो आइए ड्राइंग टूर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, शुरू करते हैं ड्राइंग टूर। तो अभी सबसे पहले मैं जो ड्राइंग आपको दिखाऊंगी वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्राइंग है, और वो है ये वाली ड्राइंग जो मैंने सौरभ राज जैन सर के बनाए थे, पोर्ट्रेट लॉर्ड कृष्णा की पोर्ट्रेट जो महाभारत के हैं। तो ये मैंने ग्राफाइट पेंसिल और कलर पेंसिल से बनाई थी, तो ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। नेक्स्ट आते हैं ये वाली ड्राइंग जो मैंने दुर्गा पूजा के टाइम पे बनाई थी। ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाई थी फुल ड्राइंग, तो ये भी काफ़ी पसंदीदा ड्राइंग है। नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो मैंने रिसेंटली बनाई है क्रिसमस के ऊपर, तो ये मैंने पेस्टल पेपर के ऊपर बनाई थी, देख सकते हो आप लोग इसका कलर। इसको मैंने ड्राई पेस्टल से बनाई थी और उसके बाद इस पर मैंने फिक्सेटिव स्प्रे भी किया है, तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी ये नहीं उठेगा क्योंकि मैंने इस पर स्प्रे किया है। सो नेक्स्ट ड्राइंग है ये वाली पोर्ट्रेट जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मतलब जिसका पोर्ट्रेट मैंने बनाई थी वो उसका जो एक मीम था टूरू लव वाला, तो मैंने ये वाली बनाई थी ऑयल पेस्टल से कार्टिज पेपर के ऊपर। तो ये वाली ड्राइंग मेरी फर्स्ट ऑयल पेस्टल से कोई पोर्ट्रेट थी, जो मैंने पहली बार कोई पोर्ट्रेट बनाई थी ऑयल पेस्टल से। नेक्स्ट आते हैं स्केचबुक पर जो ड्राइंग है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाली एक ड्राइंग है, ये मैंने ऐसे ही बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मोर पंख, तो ये मैंने बनाई थी सॉफ्ट पेस्टल से। तो कुछ ऐसे भी ड्राइंग हैं जो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ कुछ स्पेशल ड्राइंग ही दिखा रही हूँ। ये मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की बनाई थी पोर्ट्रेट, ये भी सॉफ्ट पेस्टल की है और इस पर भी मैंने स्प्रे इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आते हैं ये वाली जो कि है पबजी आइकॉन या फिर पबजी फिगर जो भी आप बोलो, तो ये मैंने बनाई थी कलर पेंसिल से, फेवर कैस्टल की कलर पेंसिल से मैंने ये बनाई थी। तो पबजी तो बैन हो गया, इसको मैंने थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी। सो नेक्स्ट आते हैं ये ड्राइंग जो कि है कैरी मिनाटी का स्केच, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब लेकर जो वीडियो वायरल हुई थी, खतरनाक वायरल, तो उसके बाद मैंने ये वाली बनाई थी। ये ग्राफाइट पेंसिल और चारकोल दोनों मिलाकर बनाया गया है, जो हेयर है वो चारकोल से बनाया गया है, बाकी ग्राफाइट है। सो कैसे हो आप लोग। नेक्स्ट आते हैं एक पेन स्केच जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट है, ये मैंने बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग किया था, कोई गाइडलाइन या फिर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, बिल्कुल फ्री हैंड स्केच बनाया था इसको पेन से डायरेक्टली, रेड पेन इस्तेमाल करके, स्किबलिंग आर्ट कहते हैं इसको। यह रोज़ की मैंने पोर्ट्रेट बनाई थी, तो हमारी फेवरेट आशीष चंचलानी। तो ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाई थी जब ऑयल पेस्टल की सीरीज़ चल रही थी, तब बहुत लोग उनके वीडियोस देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाई थी। नेक्स्ट आते हैं ये वाली, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये है यशराज मुखाटे का पोर्ट्रेट जो मैंने सॉफ्ट पेस्टल से बनाई थी। तो इन्होंने तो मतलब वीडियो से लेकर डायलॉग लेकर जो म्यूज़िक रिमिक करके जो गाना बनाया है उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, रसोरे में कौन था, फैनांस का वीडियो और भी बहुत सारे, तो ये मैंने उसके लिए बनाई थी।
तो उन्होंने तो मतलब वो वीडियोस बना के म्यूज़िक क्रिएट करके बिल्कुल रातों रात वायरल हो गए थे। तो इस पर भी मैंने स्प्रे इस्तेमाल किया है, ये कम्प्लीटली पूरा का पूरा मैंने सॉफ्ट पेस्टल से बनाई थी। तो इस स्केच बुक में और ड्राइंग नहीं है, तो अभी मैं ऐसे तीन ड्राइंग आपको दिखाऊंगी जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो फर्स्ट आते हैं ये वाली, आप लोगों को तो पता ही है मैं लियो मेसी की फ़ैन हूँ, तो ये मैंने बनाई थी लियो मेसी के बर्थडे के समय, जो कम्प्लीटली ग्राफाइट और यहाँ पर थोड़े से चारकोल मैंने इस्तेमाल किया था। सो इसको मैंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी, तो ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज़ ये लियो मेसी की पोर्ट्रेट है इसलिए। सो नेक्स्ट आते हैं माय फेवरेट MS धोनी, तो ये मैंने धोनी सर के बर्थडे के समय बनाई थी, जो कि कम्प्लीटली ग्राफाइट कलर पेंसिल और ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, सिर्फ ये बैकग्राउंड मैंने सॉफ्ट पेस्टल इस्तेमाल किया था, बाकी जो कलर यहाँ पर है ये सारे कलर पेंसिल और ग्राफाइट से बनाया गया है। तो इसको भी मैंने पोर्ट्रेट थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी। तो ये ड्राइंग बनाने के कुछ दिनों के बाद तो धोनी सर ने रिटायरमेंट ले ली क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट से, बट ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। इससे पहले भी मैंने धोनी सर की ड्राइंग बनाई थी, लेकिन ये वाली बिल्कुल कम्प्लीटली क्रिएटिव बनाने की कोशिश की थी। सो गाइज फाइनली अभी मैं अपना मतलब फेवरेट क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट जो ड्राइंग है वो आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गो, आप लोगों ने गेस शायद कर ही लिया होगा, तो ये है मेरी सबसे मतलब बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में, 1 महीने से भी ज़्यादा, और जो डिटेलिंग मैंने यहाँ पर कोशिश की थी, ट्राई की थी ड्रॉ करने की, मतलब पूरे जो ज्वेलरी वगैरह है डिटेल वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था ये जो ग्राफाइट, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के लिए ग्राफाइट और थोड़े से चारकोल, और बाकी जो कलर है उसके लिए कम्प्लीटली कलर पेंसिल मैंने इस्तेमाल की थी। तो इसके ऊपर पूरा फिक्सेटिव स्प्रे किया गया है। तो ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, सिर्फ बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैंने इस्तेमाल किया था ऑयल पेस्टल। तो ये वाली ड्राइंग और पहले जो मैंने आपको दिखाई लॉर्ड कृष्णा की, जो एकदम पहले वाली ड्राइंग आपको दिखाई, दोनों ही ड्राइंग मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और सौरभ राजन सर ने उसको शेयर भी किया था अपने स्टोरी पे। सो इन सब में से आपको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सो गाइज आप लोगों ने ड्राइंग्स देखी जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है, वैसे सारे के सारे आर्टवर्क्स ही दिल के करीब होते हैं, सारे के सारे आर्टवर्क्स फेवरेट होते हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ मेरे सिलेक्टेड ड्राइंग आपको दिखाई है जो कि मेनली पोर्ट्रेट आर्टवर्क्स थे, और उनमें से एक दो क्रिएटिव आर्टवर्क्स भी थे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने और भी आर्टवर्क्स बनाए थे, जैसे कि वाटर कलर, लीफ कटिंग आर्ट, पेंसिल कर्विंग, सब्जेक्ट कंपोजिशन, ह्यूमन फिगर ड्राइंग, ऐसे बहुत सारे, लेकिन उन सबको एक साथ मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है। आप लोग चाहो तो वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने सिर्फ मेरे कुछ स्पेशल ड्राइंग जो मेरे बहुत फेवरेट है, जो मैंने कुछ स्पेशल रीज़न से बनाए थे, तो उन सबको आपके साथ शेयर किया। तो आप लोगों को ये सारे ड्राइंग्स कैसे लगे, और उन सब ड्राइंग में से आपकी फेवरेट ड्राइंग्स कौन सी है, आपको कौन सी फेवरेट लगी, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, इससे आपकी फ़ीडबैक मिलती है। और इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जो आर्ट कॉलेज को लेकर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, कॉलेज के बारे में हो या डिपार्टमेंट के बारे में, बहुत सारा डिस्कशन आप लोगों से किया था। सो गाइज इस साल में आप लोगों ने जो भी सपोर्ट दिया है चैनल पर, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है या फिर कमेंट करके अपने सजेशंस देते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। सो ऐसे ही और भी वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। और गाइज मेरी जो भी वीडियोज़ आप लोग देखते हो उनमें ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, आपका सजेशंस दीजिए,
मैं ज़रूर उसको देखूंगी। सो गाइज, ये थी छोटी सी ड्राइंग टूर की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ड्राइंग रिलेटेड और आर्ट रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। सो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणिपात।